गुरुदेव, मैं हमेशा निराश रहता हूँ, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस निराशा से मैं कैसे बाहर निकल सकता हूँ? गुरुदेव, कोई प्रैक्टिकल टिप्स दीजिए। आशा होने से निराशा होती है। गहराई से कोई आशा को पकड़ के बैठते हैं तो निराश होते हैं। बच्चे कभी निराश नहीं होते हैं, क्यों? वो आशा को पकड़ते नहीं है। समझ रहे हो ना बात? जीवन को विशाल दृष्टिकोण से देखो। जीवन क्षणिक है, इतना जानो। अरे, यहां कुछ पाके भी मरना है, नहीं पाके भी मरना है। और कोई चीज हाथ लगने वाली नहीं है। जो लगता भी है वो रहने वाली नहीं है, जो रहता लगता है वो भी छूट जाने वाली है। इतना जान लोगे तुम, खाली हो जाओगे। जब भीतर से खाली हो जाते हो तो फिर निराशा कैसे हो सकती है? आशा को पकड़ के बैठे हो और वो हो नहीं रहा है तो निराशा। निराशा का आग फिर जलाती है तुम्हें, तड़पाती है। छोड़ सब, क्या करनी है, मस्त हो जाओ। छोड़ने से जो मस्ती है वो पकड़ने में नहीं होता, पकड़ के रखने में वो आनंद नहीं है। इसलिए कहा, त्यागे नैवे अमृतत्व मानसो। सब छोड़ने से, चीज को पकड़ पकड़ के बैठने से नहीं, मुक्त होने से ही अमृतत्व की प्राप्त होता है। क्या सोचना चाहिए? तुम बचपन से याद करो, तुम जिस चीज, जिस आशा से तुम्हें निराशा आई है, वो आशा उठने से पहले तो तुम खुश थे कि नहीं? अब मान लो तुम्हें फलानी जगह नौकरी लगना है, ये आशा तुमने लेके बैठे हो और वहाँ नौकरी लगी नहीं, तुम्हें निराशा हो। अब निराशा से इतने दुखी हो। अब आप अपनी मनस्थिति को याद करो। वो नौकरी की इच्छा, वो भी उस जगह में लगना है, यह इच्छा उठने से पहले तुम कैसे थे? खुश थे कि नहीं? जरूर खुश थे तुम। तो उस स्थिति को याद करो, जिस आशा को लेके बैठे हो उसके बगैर भी जीवन चलता है और आनंद से चलता है। तुम्हें कहा कि कहीं मंत्री बनने की इच्छा हो गई है और मंत्री पद तो मिला नहीं, तो निराशा होगी, दुखी हो गए। लॉटरी टिकट लेके बैठे, लॉटरी लगी नहीं, निराशा होगी। अरे, लॉटरी टिकट लेना है, खरीदना है, ये विचार आने से पहले तो कैसे था? ये तो सोचो,